उत्तर प्रदेश के बलिया लोकसभा सीट पर चुनावी माहौल गर्मा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने इस सीट पर पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के बेटे नीरज शेखर को चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन उम्मीदवार के तहत सपा के सनातन पांडे पर दाव खेला है। सनातन पांडे के समर्थन में समाजवादी पार्टी के विधायक संग्राम सिंह यादव प्रचार मैदान में उतरे हैं। उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान अपनी गलतियों के लिए वोटरों से माफी मांगी। उन्होंने कहा कि मेरी गलती की सजा सनातन पांडे और अखिलेश यादव को मत देना। उन्होंने अपनी अनुपस्थिति को लेकर कहा, उनके बयान का वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें वो कहते दिखते हैं कि मैं महात्मा बुद्ध की तरह आपकी गाली भी सुनने को तैयार हूँ। अब आगे से मैं आपके घर में दिखाई दूंगा, आप जब बुलाओगे, सुख में देर हो सकती है, दुख में देर नहीं करूंगा। उन्होंने वादा करते हुए कहा कि आपके बीच में आकर आपकी सेवा का काम करेंगे। संग्राम सिंह यादव बलिया के फेफना से सपा के विधायक हैं। उनके क्षेत्र के लोगों का अक्सर शिकायतें रहती हैं कि संग्राम सिंह यादव अपने इलाके में कभी नजर नहीं आते, वो अक्सर लखनऊ में ही रहते हैं। सपा विधायक ने जनसभा के दौरान कहा कि अगर मेरी किसी बात से आपको ठेस पहुंची हो तो इसके लिए मैं तहे दिल से माफी चाहूंगा। मेरा प्रयास हुआ कि आज के बाद जो शिकायतें मुझे मिलती हैं, जो गालियां मुझे मिलती हैं, उनको भी महात्मा बुद्ध की तरह मैं स्वीकार करता हूं। हर एक दुखी कार्यकर्ता से आज मैं इस मंच से माफ़ी मांगना चाहता हूं, आपके पैर पकड़ना चाहता हूं, मेरी गलती की सजा सनातन पांडे को मत दीजिएगा। अपने कृत्य के लिए मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ। संग्राम सिंह यादव ने आगे कहा कि हमारी गलती की अखिलेश यादव को भी सज़ा मत देना। अगर संख्या नहीं होगी तो इंडिया गठबंधन में आप अखिलेश यादव को क्या बना पाओगे? आप चाहते हो वो प्रधानमंत्री बन जाए, गृहमंत्री बन जाए, रक्षा मंत्री बन जाए, अगर संख्या नहीं होगी तो कैसे बना पाओगे? साथियों, मेरी गलती की सज़ा आप सनातन पांडे या अखिलेश यादव को मत देना। कल से आपको ये नेता, आपका भाई आपके बीच नजर आएगा।